जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है दूसरा तिमोथियस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका सातवां और आठवां वचन। वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। अतः तू ना हमारे प्रभु की साक्षी देने से न मुझसे जो उसका बंदी हूँ लज्जित हो, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र सामर्थ्य वचन, तेरा ज्ञान हमारे लिए शक्तिशाली, हमें शक्ति देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें पूरी तरीके से साहस से भर देता है। दोस्तों, क्या बताता है पौलुस यहाँ पर? पौलुस बताता है कि यीशु मसीह धरती पर आए और उन्होंने सेवा नहीं करवाई, वो सेवा करने के लिए आए। उन्होंने दुख भोगा। क्यों दुख भोगा? ताकि संसार का, ताकि स्वर्गीय सुख हमें मिले। इस संसार में हमें अगर स्वर्गीय सुख चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी के लिए आशीष का कारण बने, तो हमें दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह दुखों से होकर गुजरे। यीशु मसीह ने अपना जीवन दुख और संकट और कांटों में होकर बिताया, क्योंकि वो हमें जीवन देना चाहते थे, वो हमें ज्योति देना चाहते थे, वो हमें स्वर्गीय स्थान देना चाहते थे और उसने हमें दिया भी। इसलिए पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में कि मैं अगर जेल जाता हूँ, मैं अगर जंजीरों में हूँ, मुझे अगर कोड़े पड़ते हैं, मैं अगर सताव में हूँ और तुम्हें पता लगता है, तो तुम लज्जित मत हो, तुम शर्मिंदा मत हो, क्योंकि ये तो होना ही है। अगर आप सुसमाचार सुनाएंगे, अगर आप सुसमाचार की रक्षा करेंगे, तो संसार आपसे नफरत करेगा, आपके अपने आपसे नफरत करेंगे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपकी पत्नी आपसे नफरत करेंगे। अगर आप सुसमाचार की रक्षा के लिए अपने जीवन को देंगे, तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें सुसमाचार की रक्षा के लिए दुख उठाना है, ये अपने मन में धारण कर लीजिए। इसलिए वो कहता है कि हमें परमेश्वर ने भीरुता का नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, उसके सामर्थ को समझें, तो हमारे अंदर प्रेम और संयम बढ़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। लेकिन आजकल क्या होता है? आज की पीढ़ी, आज के मसीह, आज के आपकी कलीसिया के आपके दोस्त, आपके पासवान, अगर कोई पासवान सताव में है, अगर कोई पासवान दुखी है, अगर किसी पासवान के जीवन में कोई संकट आता है, तो लोग समझते हैं कि पासवान ने पाप किया है, पासवान ने पाप किया है और परमेश्वर की ओर से उसे न्याय मिल रहा है, दंड मिल रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के वचनों को समझें, हम परमेश्वर के उदाहरणों को समझें और जानें, हम पौलुस को समझें, हम उसके जीवन को जानें, किस तरीके से उसने दुख उठाया। इसलिए अगर हम मसीहत की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर हम कलीसिया चला रहे हैं, तो दुख आएगा। हमारे अपने हमें छोड़ के जाएंगे, हमारे अपने मसीह भाई बहन हमें गलत समझेंगे। ये बाइबल कहती है कि अंतिम समय में विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और बहुत से लोग विश्वास से फिर जाएंगे। ये बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि उस सताव को सहना बहुत मुश्किल है, जो परमेश्वर की ओर से, जो यीशु मसीह के नाम से, जो सुसमाचार के द्वारा सताव आपके जीवन में आएगा, उसको सहना बहुत मुश्किल है। आप अपने रिश्तों को बचाना चाहेंगे, आप अपने रिश्तों को बचाना चाहेंगे, आप अपने सुख को बचाना चाहेंगे, आप अपने जमीनी जिंदगी को बचाना चाहेंगे, लेकिन नहीं, गलत है। हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बचाना है, हमें परमेश्वर के सुसमाचार की रक्षा करनी है। चाहे हमारा जीवन जाए, चाहे हमारे रिश्ते चले जाएं, लेकिन हमारा सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार, जो उसने कष्ट सहकर, दुख उठाकर हमें दिया है, हमें धार्मिकता दी है, हमें अद्भुत अनंत जीवन दिया है, हमें उस सुसमाचार को लेकर चलना है, और चाहे उसके लिए हमें कितना भी दुख क्यों ना उठाना पड़े। अब याद करिए पतरस जब तिबरियास झील में गया था, यीशु मसीह फिर उसके पास आए, मरने के बाद यीशु मसीह उससे फिर मिलने के लिए गए और वो मछली पकड़ रहा था। यीशु मसीह ने उसे बुलाया और पूछा कि पतरस, तुमसे प्यार करता है, तू एक चरवाह है, तुझे अपनी भेड़ों की रक्षा करनी है, तुझे अपने भेड़ों के लिए अपने जीवन को गंवाना है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू अपनी भेड़ों से प्यार करता है? और पतरस ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं प्यार करता हूँ। और साथ ही साथ यीशु मसीह पतरस को बता रहे थे कि तुझे कैसी मौत मिलने वाली है, साथ ही साथ उसे बता रहे थे कि तू कैसे दुख से गुजरेगा,
तू मेरे भेड़ों से प्यार करेगा, तू मुझसे प्यार करेगा, तू कैसे जीवन को बिताएगा। साथ ही साथ यीशु मसीह ने बताया कि पतरस कैसी मौत मरेगा। इसलिए दोस्तों, हमारे लिए संकट नहीं है, हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए आशा है, हमारे लिए हमारे सामने अनुग्रह का सिंहासन है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमारे अंदर भीरता डर की आत्मा नहीं है, हमारे अंदर प्रेम और संयम और सामर्थ्य की आत्मा है। इसलिए हमें उस सिंहासन को देखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सिंहासन को, उस आशीष को देखना है, उस जीवन को देखना है जो मौत के बाद हमें मिलने वाली है, उस रैप्चर को देखना है, उस दिन को देखना है जब यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आएंगे और बादलों पर हमें उठा लेंगे और दुनिया के सामने हम राज्य करेंगे, उसके साथ हम सिंहासन पर बैठेंगे, हम विराजमान होंगे और परमेश्वर का आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो ये सुख इन दुखों के सामने अद्भुत है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करिए, अपने अंदर भीड़ता का, अपने अंदर डर का आत्मा मत रखिए। हमें सताव सहना है, हमें दुख सहना है, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख सहा था। हमें उसके सुसमाचार की रक्षा करनी है। ये अपने मन में ये पहला काम है, हमारे जीवन का ये पहला काम है कि हम उसके सुसमाचार की रक्षा करें, और उसके लिए कोई भी दुख उठाना पड़े तो हम उठाएं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। आज का वचन अद्भुत है परमेश्वर, तेरा आशीष, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे संयम की आत्मा हमारे अंदर रहे। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख मांगता हूँ, और कठोरता उनके मन से निकालता हूँ, ताकि बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन में काम करे, संयम की आत्मा उनके जीवन में काम करे और तेरे बने रहे परमेश्वर, शैतान उन्हें छीन ना सके परमेश्वर। अपने राज्य के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते, धन्यवाद देते, प्रार्थना अपने सुनियर कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन।